नमस्कार। चैप्टर 9 चल रहा है हमारा प्रकाश, और इसमें हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और हमने वहां देखा था कि कुल 6 स्थितियां थी जिनमें से हमने 5 पूरी कर ली। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में हमारे पास कुल 6 स्थितियां थीं जिनमें से 5 हमने पूरी कर ली थी, है ना। 6 स्थितियां कौन कौन सी थीं एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। छोटा सा दर्पण, ठीक है, ये मुख्य अक्ष, एफ सी और अनंत, ठीक है। तो पहला फर्स्ट स्थिति थी अनंत, सेकंड थी बिटवीन अनंत एंड सी, थर्ड स्थिति थी सी पर, फोर्थ स्थिति थी बिटवीन सी एंड एफ, और फिफ्थ स्थिति थी एफ। तो इस तरह से हमारी जो 6 स्थितियां थीं उनमें से हमने 5 तो कर ली थी। अब हम करेंगे आज छठी स्थिति के बारे में कि जब बिंब, छठी स्थिति क्या है, जब बिंब बिटवीन एफ एंड ओ, एफ और ओ के बिटवीन, ठीक है। तो देखिए इसके लिए स्क्रीन पर आप ये आ गया, जब बिंब एफ एवं ओ के मध्य कहीं पर स्थित हो, ठीक है। जब एफ और ओ के मध्य कहीं पर बिंब स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, उसके लिए देखिए कि हमने एक चित्र बनाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक चित्र बना हुआ है, और उस चित्र में आपको एक अवतल दर्पण दिखाई दे रहा है, बिंब रखा है एफ और ओ के बीच में। देखिए ये तो एफ है फोकस केंद्र, और ये ध्रुव है इसका यहां पर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमने यहां ये बिंब रखा हुआ है, और ये सीधा बिंब ऊपर की तरफ है इसका एरो, इसलिए सीधा इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। जब यहां रखा तो अब प्रकाश की हमें क्या करना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो यहां मैंने कहा था कि जो 5 इससे पहले की जो 5 स्थितियां हैं उनमें एक किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर लेके आनी है और उसको एफ से गुजार देना है, ठीक है। एक किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर लेके आनी है और उसे आपको एफ से गुजार देना है, तो वो तो आपने सभी में कर ही दिया था। और दूसरी किरण अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दिखाई दे रही थी, अलग अलग आ रही थी ना, ठीक है ना। दो तीन में तो सेम है और दो में थोड़ा सा अलग है, तीन में तो आपको उसको सी से गुजारना है, ठीक है, और एक में आपको उसको एफ से गुजार के समांतर कर देना है, ठीक है। तो वो आप ध्यान से इसको करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहां क्या हो रहा है, यहां एक किरण तो जा रही है ध्रुव से, तो जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। ये देखो जितने कोण से ये आपतित हुई उतने ही कोण से परावर्तित हो गई, आई और आर बराबर हो गया। और दूसरी किरण को हमने गुजारा है सी से, जब इनको गुजारेंगे तो ये तो दूर दूर होते चली जाएंगे। अगर इनको पीछे देखेंगे हम चाहेंगे ये वास्तव में मिले तो वो तो कभी संभव होने वाला है नहीं। देखो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो दोनों के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, तो इधर तो कभी मिलेंगी नहीं। लेकिन जब हम इनको पीछे बढ़ाएंगे डॉट 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 में, देखो ये बड़ी हुई है पीछे की तरफ, तो ये इस दर्पण के पीछे यहां पर हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो अब बनाओ आप चित्र पहले,
बन गया, जल्दी कीजिए जिससे कि हम फिर आगे बढ़े। देखिए अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे दिख ही रहा है, हमें दर्पण के पीछे बनाया। अब जब किरण आपस में नहीं मिल रही हैं तो वास्तविक तो होगा नहीं, तो कैसा होगा? आभासी और सीधा एवं बड़ा होगा। आभासी, सीधा एवं बड़ा और दर्पण के पीछे की साइड होगा। सारी चीजें हमें यहां से पता चल चुकी हैं, ठीक है। अब इसको नोट करें आप एक लाइन को, दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं बड़ा। आगे बढ़े, आगे देखिए। अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का विवरण, इसमें पूरी जो छह स्थितियां है वो छह स्थिति यहां पर हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब आपको याद रखने के लिए पांच स्थितियों में प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा दिखाई दे रहा होगा। स्थिति बाद में देखेंगे, पहले इसमें से हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें याद करना है तो हम कितनी जल्दी इसको याद कर सकें। तो देखिए प्रतिबिंब का स्वरूप देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा पांच जगह लिखा हुआ, इसका मतलब पांच जगहों पर तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, और छठी जगह जो है एफ और ओ के बीच वहां पर जरूर सीधा बनेगा और आवासी बनेगा, ठीक। अब आकार की बात कर लें तो जो पांच जगह है ना, इन पांच जगहों पर आकार बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, अत्यधिक छोटा, फिर छोटा, समान, बड़ा और बहुत बड़ा, दिख रहा है। तो ये पांच क्रम से आपको याद हो जाएंगी। बिंदु आपको याद हो गए, अनंत, वक्रता केंद्र, अनंत, वक्रता केंद्र और फोकस, लगातार क्रम से पांच जगह हैं, ठीक है। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहां कहां होगी और क्या क्या होगी वो हम देखते हैं अभी। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहां कहां होगी, तो पहला है कि जब बिंब फोकस पर है, ठीक है। देखो मैंने बनाया यहां पर फोकस, सी और अनंत, ठीक है। आपको दोनों तरफ दिख रहा है, उधर भी आप एक बार देख लेंगे और इधर उसको हम बना के देखेंगे। देखिए प्रतिबिंब है पहली, बिंब है पहली बिंदु, पहला पॉइंट है बिंब अनंत पर, तो पहला पॉइंट है बिंब अनंत पर। यहां मैं अब देखो एक बार में याद हो जाना चाहिए, ये परीक्षा में आएगा, एक बार में याद हो जाना चाहिए आपको। जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनाता, फोकस पर। देख भी रहे आपको वहां पर नीचे, देखो जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, एक के साथ एक। बिंब को हम पास लाए, अनंत और सी के बीच में लेके गए, ये सी है और ये एफ है, अनंत और सी के मध्य में कहीं पर भी हमने यहां बिंब पहले यहां रखा फिर यहां कहीं रख दिया, ये है केस नंबर दो। तो जब हम बिंब को दर्पण के पास लाते हैं तो प्रतिबिंब यहां से दूर चला जाता है। अब प्रतिबिंब आ जाएगा, हमें इसको इसके बीच में रखा है तो एफ और सी के बीच में यहां कहीं प्रतिबिंब आ जाएगा, तो ये केस दो हो गया। देखो अब मैं ले आया इसको सी पर, यहां पर ले आया मैं, केस तीन, जितना पास लाएंगे उतना ये दूर चला जाएगा, तो यहां पर आ गया केस तीन, ठीक है। अब मैं ले आया इसको सी और एफ के बीच में, तो ये हो गया केस चार, तो अब ये एफ और अनंत के बीच में कहीं चला जाएगा, ये हो गया केस चार। अब मैं ले आया इसको एफ पर, यहां पर केस स्थिति पांच, तो ये चला जाएगा इधर। देखिए एक के लिए एक, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन, चार के लिए चार और पांच के लिए पांच, जस्ट उल्टा हो रहा है, जस्ट उल्टा। जो इधर का था वो इधर, इधर से आ जाओ, एक दो तीन चार पांच, इधर से एक दो तीन चार पांच, ये काउंटिंग लिखना सीखना है हमें याद करने के लिए, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच नंबर लिख ले, एक दो तीन चार पांच नंबर लिख ले, सारी स्थितियां और सब कुछ हमें क्लियर पता लग रहा है, ठीक है। अब बचती है स्थिति नंबर छह, स्थिति नंबर छह जो यहां है कहीं भी,
छह, तो छह का कहां बनेगा, इस दर्पण के पीछे की साइड कहीं बनेगा। पूरा दर पूरे प्रतिबिंब अवतल दर्पण से हमें याद हो चुके हैं। दोबारा देखिए, आप दोबारा स्क्रीन पर देखिए, वो आ गया, देखो अनंत पर तो फोकस पर, वक्रता केंद्र अनंत के मध्य तो फोकस और उसके मध्य, ठीक है, वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र पर, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार में और पास आए तो और दूर चले गए वक्रता केंद्र से दूर, नंबर पांच में फोकस पे आए तो अनंत पर चले गए, और नंबर छह जो अलग है वो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो आप जल्दी से इस टेबल को लिख लें जिससे ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए, वो एक दो तीन चार पांच वाला रूल आपको याद रखना है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रतिबिंब हमने बनाए हैं ना, इनको हम एक वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको कि मोमबत्ती से आप कैसे बना सकते हो इनको। आगे है अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला उपयोग लिखा हुआ है सेविंग दर्पण, मतलब ऐसा दर्पण जिसमें जो सेविंग बनाने के काम में लिया जाता है उसमें चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण के उपयोग में पहला सेविंग दर्पण में क्लियर दिख रहा है और आपको याद भी हो गया, एक बार में याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा उपयोग है मोटर वाहनों के हेडलाइट में, जो आगे लाइट लगी रहती है ना, वाहनों के आगे जो लाइट लगी रहती है उस हेडलाइट में इस तरह का एक दर्पण लगा जाता है अवतल दर्पण। अब ये क्यों यूज किया जा रहा है, दूसरा इसको यूज किया जाता है कि जो एंटीना डिस होती है ना, डिस एंटीना आपने देखी होगी, उसके नीचे एक अवतल आकार की एक प्लेट लगी रहती है, वहां पर वो इस तरह से क्यों लगाई जाती है। और दूसरी ये है कि सूर्य से आने वाली किरणों को, सूर्य से आने वाली जो किरण है उनको अगर केंद्रित करना है किसी एक बिंदु पर, तो उनको एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए भी इस अवतल आकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है इस तरह के। देखो अब ये जो हेडलाइट में आपको दिख रही है कि एक अवतल आकार की एक प्लेट सी लगी हुई है इस तरह से, और उसमें अंदर अवतल दर्पण लगा हुआ है, अवतल दर्पण भी लगाया जाता है और उसमें अंदर पॉलिश भी कर दी जाती है कई बार, मतलब ऐसे पदार्थ की पॉलिश की जाती है जो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। इससे क्या होगा, देखिए जब प्रकाश की, जब बल्ब जलेगा, बल्ब के जलने पर जो लाइट यहां चार तरफ प्रोड्यूस होगी इस बल्ब के, इसके अंदर चार तरफ ये जो बना हुआ ना इस तरह से यूं, उसके चार तरफ जो विद्युत, जो प्रकाश की किरणें उत्पन्न होंगी, वो प्रकाश की किरणें क्या होगा कि वहां से एक बिंदु पर जाकर फोकसित हो जाएंगी, यहां से गई और परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर जाके फोकसित होंगी, तो जो लाइट है ना हेडलाइट, उस हेडलाइट से